हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 30 अप्रैल 2019 की ब्रिलियंट सब्रेटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हमारी क्वेश्चन देखते हैं, फिर देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से किस तरीके से डिफरेंट हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो यूनिवर्सल हैं और सभी कंट्रीज पे अप्लाई होते हैं, जबकि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो एक एक्शन था, एक तरीका किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था ओनली। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं थे, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो लीगली बाइंडिंग हैं। हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट्स हैं, जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं, वो लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री पे। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फर्स्ट इसका राइट आंसर है वो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड है वो आर्टिफिशियल रैपिंग, यानी कि जो हरे मैंगो या बोल सकते हैं कि हरे रंग के जो आम होते हैं उनको पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड से क्या प्रोड्यूसर होता है, ये आपको बताना है। मतलब सीधा ये पूछना चाह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड से ऐसा क्या होता है कि जो आम होते हैं, हरे कच्चे आम होते हैं, वो पक जाते हैं। तो देखो जो कैल्शियम कार्बाइड होता है ना, ये एक्चुअली जो ही मॉइस्चर की एक मतलब टच में आता है तो इसे गैस निकलती है, जिसका नाम होता है यहाँ पे एसिटिलीन। ये एसिटिलीन गैस होती है जो आमों को पकाने का काम है वो करती है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी है वो होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है सुरेश माथुर कमेटी के बारे में। देखो अभी रिसेंटली सुरेश माथुर कमेटी न्यूज में थी, तो आप बताइए कि किससे है रिलेटेड है। तो चलो आपको बता देता हूँ, अभी IRDAI के द्वारा, जो कि आपको पता है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट है वो करती है, इसके द्वारा अभी एक सुरेश माथुर कमेटी है वो स्थापित की गई थी। इसका काम ये था कि भाई जो माइक्रो इंश्योरेंस है इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी की जाए, नए और नया फ्रेमवर्क है रेगुलेटरी, उन सब के लिए ये स्थापित है वो की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेगेटिव रिव्यू द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑन माइक्रो इंश्योरेंस। ये ध्यान रखना है RBI के द्वारा नहीं बनाई गई है, पहला 50 इंपॉर्टेंट है, ये बनेगी है IRDAI, जो आपको पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट है वो करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेफ सिटीज प्रोग्राम को लेके। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो वुमेन सेफ्टी इनिशिएटिव के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है और एवरी स्टेट्स कैपिटल को इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है यहाँ पे कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके तहत फंड है वो आएगा निर्भया फंड स्कीम के तहत। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सेंटर और स्टेट हैं उनका जो शेयर है इसमें पैसा इन्वेस्ट करने का, पैसा लगाने का, वो होगा 60-40 रेशियो में। अब आपको यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो आप सोचिए एक बार। देखो सेफ सिटीज जो प्रोग्राम है ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये मेनली अभी 8 सिटीज के लिए स्टार्ट हुआ है, ना कि सभी स्टेट की कैपिटल के स्टार्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है वो हो गया। तो हमें गलत पूछा है तो पहला यहाँ पे गलत है, बाकी अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दूसरे के हिसाब से आप देख सकते हो कि सी और डी आपका वैसे इलिमिनेट हो जाएगा, और तीसरा स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे तो ये सही है। तो इससे बी को भी आप इलिमिनेट करके राइट आंसर इसका ए ले सकते हो। UPSC यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकती है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कि सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं आज का हमारा आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल है न्यूज है वो आई है BCIM कॉरिडोर। क्या है BCIM कॉरिडोर? BCIM कॉरिडोर का मतलब है बांग्लादेश चाइना इंडिया और म्यांमार कॉरिडोर, मतलब बांग्लादेश से लेके इंडिया और चाइना को कनेक्ट है वो करना है, और इसमें म्यांमार को भी इंक्लूड है वो क्या क्या है। तो देखो कंटेक्स्ट है वो भी हम देखेंगे, सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो चाइना में एक सिटी है कुनमिंग, इस सिटी को बेसिकली ये इंडिया के कोलकाता से कनेक्ट है वो करेगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि पहले कोलकाता से बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश में देखो सिटी आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया हो यहाँ पे कि बांग्लादेश में जयसोर सिटी है, फिर ढाका है, इसके बाद में इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में होते हुए यहाँ पे म्यांमार में मांडले है, मांडले को टच करते हुए फिर चाइना की कुनमिंग तक ये रास्ता है वो है। अब आपको बताता हूँ कि भी न्यूज़ में क्या है। देखो आपने चाइना का एक प्रोजेक्ट सुना होगा काफ़ी बार, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसका मोटो क्या है, ध्यान से सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, इसका मोटो ये है
ईस्टर्न जो यहाँ बात करें कि एक तरीके से साउथ ईस्ट या ईस्टर्न जो एशिया वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को यूरोप और अफ्रीका के हिस्से से कनेक्ट किया जा सके, ताकि काफ़ी अच्छी अगर मतलब बॉन्डिंग है, रिलेशन अच्छे रहेंगे तो ट्रेड काफ़ी अच्छा हो सकेगा। तो इसके लिए चाइना तरह तरह के मेथड है, जैसे एक तो आपको पता है कि जो हमने सुना है कि मोतियों के हार वाला मेथड था, कि भाई सी रास्ते के थ्रू चाइना है वो मतलब अपना एरिया कवर कर रहा है, तो उसमें श्रीलंका जैसे कंट्रीज को भी डेप्ट वगैरह में फंसा रहा है, एक तो वो रूट है मेरी टाइम। इसके साथ ही आपको पता है कि ऊपर से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक भाग है। मतलब मेरा कहने का यहाँ पे यह है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर इसके अंदर के छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे टारगेट्स हैं, वो लिए गए हैं चाइना के द्वारा। छोटे छोटे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं जिसका एक हिस्सा क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उसी तरह पहले क्या कर रहा था कि चाइना ने जो ये था ना BCIM कॉरिडोर, BCIM कॉरिडोर, इसको भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल कर रखा था। बट आपको पता है कि इंडिया ने काफ़ी सारे कंसर्न जता रखे हैं उस पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया के POK वाले हिस्से से जाता है, इसलिए इंडिया की सोवरेनिटी का इश्यू हो जाता है। तो इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, तो इसकी वजह से चाइना को थोड़ा डर लगा कि यार बेटर है कि हम BCIM कॉरिडोर है इसके ऊपर भी चाइना मतलब इंडिया अंगुली उठा सकता है कि भाई ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है तो हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, या हम इसे मतलब आप कैंसिल वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए चाइना ने क्या किया कि जो ये BCIM कॉरिडोर है ना, ये हम बात करें बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर, इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर दिया है। मतलब अब इसको अलग ही प्रोजेक्ट बना दिया है, ताकि इंडिया का इस पर कोई सवाल है, कोई इश्यू है वो ना हो सके। मतलब देखो साफ है कि चाइना है वो इंडिया के इश्यूज को फोकस है वो यहाँ पे कर रहा है। तो देखो ये इसका मेनली सारा कंटेस्ट हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए कि BCIM कॉरिडोर है क्या। बाकी हमने डिस्कस कर लिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी यहाँ पे डिस्कस किया है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देख लिया, सिल्क मेरी टाइम रूट के बारे में हमने देख लिया। तो ये काफ़ी सारे जो कॉरिडोर्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। और तो देखो फिर आर्टिकल में वही बात बताई कि मांडले और म्यांमार में लाओस को भी कनेक्ट करेगा। अब देखो उसका बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियसली अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो यहाँ से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से हो सकेगा, एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए भी मतलब डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बेनिफिट तो इसके बहुत सारे होने ही होने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, पर कंटेक्स्ट देखेंगे बाद में, पहले देखते हैं एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। देखो ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल और एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, जो हम बात करें ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप है। इसका काम क्या है, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर को डेवलप करना एशिया पैसिफिक वाले रीजन में। इसको बनाया गया था 1964 में, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कुआलालंपुर, जो कहाँ पे मलेशिया में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट है। देखो इसकी 272 कंट्रीज मेंबर हैं, यहाँ पे हम बात करें सॉरी 272 में से 76 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 4 कॉन्टिनेंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। और हम बात यहाँ पे करें कि जो ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ना, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, ये आपको फिर ध्यान में रखना है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन वर्ल्ड का बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, और ये ध्यान रखना कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ये वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का भी मेंबर है। मतलब एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का भी मेंबर है, जबकि देखा जाए तो सबसे बड़ा एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है, ना कि वर्ल्ड ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इसके बारे में जो हमने यहाँ पे कवर किए। अब देखते हैं हम कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट ये है कि एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन है ना, इसकी अभी 5वां समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज को, और डिजास्टर प्रिपेयरनेस कैसी चल रही है, किस तरीके से डिजास्टर को लेकर प्रिपेयरनेस है वो की जा रही है, कहाँ पे हुआ था, नेपाल के काठमांडू में। तो ये फैक्ट ध्यान में है, इंपॉर्टेंट ये रखना है करंट से रिलेटेड। और इसमें मीडिया एक्शन प्लान फॉर मीडिया इंटीग्रेशन इन क्लाइमेट एक्शन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर अडोप्ट है, या इस पर फोकस है वो किया गया है। मतलब जो ये एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का 5वां समिट हुआ नेपाल में, इसमें मीडिया एक्शन फॉर मीडिया इंटीग्रेशन इन प्लान क्लाइमेट चेंज बोला गया। मतलब साफ यहाँ पे कहने का ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर मीडिया का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो मीडिया क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से शो कर रही है, किस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग करती है, वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि तो लोगों को अवेयर करने का काम मीडिया का होता है, आपको पता है कि मीडिया वो हमारे देश में डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, एक तरीके से काफ़ी अहम रोल हो जाता है आज के टाइम पे।
तो वो यहाँ पे फोकस हो गया। थीम इस बार की रही है मीडिया सॉल्यूशंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग रिसाइलेंट कम्युनिटी। तो ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, एनसीएमसी। देखो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ना, ये हमारे देश की एक कमेटी है जो कि टेम्परेरी कमेटी है। पहला फैक्ट ये कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एक टेम्परेरी कमेटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी जब नेचुरल क्लैमिटी आती है उस दौरान उसका कैसे सोल्यूशन करना है, किस तरीके से जो डिजास्टर के मतलब इक्विपमेंट है उनको यूज करना है, या किस तरीके से रिलीफ के प्रोग्राम चलाने हैं, ऑपरेशंस वगैरह, उन सब के लिए कमेटी है वो स्थापित की जाती है। और ये ध्यान रखना है इसमें आपको कि जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है वो यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, अब आप अपना जो प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बाकी देखो जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कि एक टेम्परेरी कमेटी होती है ना कि एक परमानेंट कमेटी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मैंगो सोवर्स। मैंगो सोवर्स क्या है, यह देखो एक प्री मानसून रेनफॉल है, मतलब मानसून से पहले आपको पता है कि अप्रैल महीने के महीने में इंडिया में जो बारिश होती है हल्की फुल्की या कई जगह तेज भी होती है वो होती है मेनली प्री मानसून रेनफॉल, और उसको इंडिया में अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंगो सावर, कर्नाटक वाले हिस्से में इसको मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। अब देखो अकेले कर्नाटक में नहीं, वैसे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में इसको मैंगो सावर के नाम से जानते हैं, इसके साथ ही बंगाल में इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं, आसाम में इसको बोरदुचिल्ला के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे बात करें केरला के अंदर इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं या कॉफी सोर के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट हमें पता होना चाहिए कि काल वैसाखी, बोरदोशिला, चेरी ब्लॉसम, कॉफी सोर, मैंगो सोर, ये है क्या। अब थोड़ा हम प्री मानसून रेनफॉल देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, यहाँ पे अब मानसून आने से पूर्व तक कि गर्मी में मानसून कौन सा आता है, गर्मियों में आता है साउथ वेस्ट मानसून आता है। तो गर्मियों में जब मानसून आता है ना, तो इससे पहले क्या आपको पता है कि आईटी जोन है वो मतलब चेंज होता है, तो इसकी वजह से क्या है कि थोड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे मौसम ऐसा बन जाता है कि भाई हल्की हल्की कई एरियो में बारिश होती है जिसके अपने लोकल रीजन्स होते हैं, कोई एक मेन रीजन नहीं कि भाई इस रीजन की वजह से ही मैंगो सोवर या प्री मानसून रेनफॉल है वो होता है। जैसे कि हम बात करें कि नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन है, राजस्थान वाले इससे वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं इस टाइम पे, कुछ एरियो में हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो ऐसे ये अलग अलग एरिया में अलग अलग रीजन इसके मेनली होते हैं। और होता क्या है इस दौरान कि जो ब्यो बंगाल वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक थंडर स्टॉर्म डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर है वो क्रिएट, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और इधर वाले हिस्से में हो जाता है हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हल्की फुल्की इस वाले एरिया में इधर उधर विंड चलती है और बारिश होने लग जाती है, तो उसको यहाँ वेस्ट बंगाल वाले एरिया में कॉल वैसाखी, यहाँ पे आसाम में बोरदोशिल्ला के नाम से, और यहाँ पे चेरी ब्लॉसम, मैंगो सोवर, और केरला के अंतर्गत यहाँ पे कॉफी सोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो ये मैंगो सोर काफ़ी अच्छी होती है वैसे, क्योंकि ये आमों को पकने में काफ़ी हेल्पफुल है वो होती है। तो बेसिकली ये कंटेक्स्ट था जिसे हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।